हजरा बेगम, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? अल्लाह ने आपके घर में रहमत उतारी है, कोई बात है तो बताइए। क्या बताऊं सकीना बहन, हमें इस रहमत से महरूम किया जा रहा है। अभी तो मैंने अपनी पोती को ठीक से गोद में भी नहीं खिलाया और सायरा उसे हमसे दूर ले जाना चाह रही है। दूर ले जाना चाहती, कहां? अलहदा घर में। अलहदा घर में? हाजरा बेगम, ये गलती कभी मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। क्या आप इसे गलती कह रही हैं? बेटियों की माएं तो बहुत खुश होती हैं कि उनकी बेटी ससुराल से अलहदा हो रही है, और आप? मैं नहीं चाहती कि वो आपसे अलग हो। क्यों? इसलिए कि साहिरा मेरी बेटी जरूर है, मगर मैं क्या कहूं अब। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, वरना अकबर तो कहते हैं कि सायरा का शरई हक है कि वो अलहदा रह सके। बस आप इतना समझ लें कि सायरा को आप कभी भी अलहदा घर में रहने की इजाजत नहीं देंगी, वरना वरना देखिए, मैं अपनी बेटी को आपसे ज्यादा जानती हूं। अगर आप वलीद से बात नहीं करेंगी तो मैं बात करूंगी। मैं वलीद और साहिरा का घर बसा देखना चाहती हूं, इसलिए आप उन्हें अपनी नजरों के सामने रखें। ऐसी क्या बात है जो मामा कहना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम भाई। माशाल्लाह सायरा, हमें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए और ये मेरी प्यारी सी भांजी के लिए। थैंक यू भाई। और बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका काम कैसा है? काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हशमत, इधर आए, देखे इसे, कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। सायरा, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है ना? माशाल्लाह। तहमीना, तुमने डॉक्टर को दिखाया? इतना वक्त हो गया तुम्हारी शादी को। अरे सायरा, कुछ महीने गुजरे हैं, पूरी उम्र तो नहीं, और वैसे भी हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। ये बात तो तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए, औलाद तो शौहर के नसीब से होती है ना। बिल्कुल सच बात है, बल्कि हकीकत है। और तुम जानती हो, मेरी प्रमोशन हो गई है, ऑफिसर ग्रेड मिल गया मुझे, और ये सब कुछ मेरी तहमीना की वजह से। मेरे लिए ये बहुत लकी साबित हुई। हाँ, मुबारक हो। अम्मी कहाँ हैं? वो तुम्हारी सास के साथ बैठी हैं। हाजरा आंटी कुछ परेशान लग रही थी।